नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में बीपीएससी टीआरई के तहत लगभग 1,70,000 बहाली जो है कुछ महीने पहले निकाली गई। इसके बाद जो है बीपीएससी के तहत 24 और 25 और 26 अगस्त को इसका परीक्षा लिया गया। परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी किए गए। रिजल्ट जारी करने में लगभग 2 महीने का समय लगे, लेकिन 2 महीने के भीतर रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें लगभग 1,22,000 अभ्यर्थियों को पास करार दिया गया, घोषित किया गया। उसके बाद तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने लगे और कहने लगे कि बीपीएससी टीआरई के तहत जो परीक्षाएं हुई है उसमें काफ़ी धांधली और गड़बड़ियां देखने को मिली है। विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर सवालिया निशान लगा दिया और उन्होंने बकायदा आयोग के जो अध्यक्ष हुए अतुल प्रसाद, उनको भी ज्ञापन सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई में गड़बड़ी और धांधली देखने को मिल रही है। उसके पीछे वजह ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई अनियमितता देखने को मिली है, जिसमें बिहार के बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी पास घोषित किए गए हैं, जबकि स्टेट पास होना अनिवार्य था, लेकिन वो बिना स्टेट के ही 9th, 10th और 11th, 12th जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल है, जो कि काफ़ी गड़बड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गया या कुछ और भी जिले हैं जहां सेंटर जो है मैनेज है और एक ही कक्षा के एक ही रूम के बहुत सारे अभ्यर्थियों को पास दिखाया गया है। इस तरीके के कई आरोपों के साथ जीतन राम मांझी ने अतुल प्रसाद को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इन सभी आरोपों को पूर्ण विराम लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ये कहा कि आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है और बीपीएससी टीआरई के तहत जो एग्ज़ाम लिया गया बिल्कुल निष्पक्ष रूप में और पारदर्शी तरीके से लिया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी धांधली की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है और उन्हें आला कमान की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि आप विरोध करें और बिहार सरकार की अच्छी नीतियों को गलत ठहराएं। लेकिन इन सभी के बाद आज 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मौजूदगी में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। यहां आज लगभग 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा और बाकी अभ्यर्थियों को उनके जिला में ही नियुक्ति पत्र जो है बांटी जाएगी। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड है, किसी राज्य के द्वारा एक विभाग में इतना नौकरियाँ जो है आज तक नहीं दी गई थी, लेकिन बिहार ने पहली बार ऐसा किया कि 1,22,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है दी जानी है, जो कि एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें लगभग 48% महिलाएं पास की है, लगभग 48,000 के करीब महिलाएं भी पास की हैं इस बीपीएससी टीआरई के तहत, लेकिन टोटल 1,22,376 अभ्यर्थियों को पास किया गया और उनका आज नियुक्ति पत्र जो है पटना के गांधी मैदान में बांटा जाना है। दिव्यांग अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारा जो है मेरिट नहीं बनाया गया, लेकिन इन सभी बातों पर पूर्ण विराम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगा दिया गया। अतुल प्रसाद ने भी ये कहा कि जो सीटें खाली रह जाएंगी उन पर दोबारा मेरिट बना करके फिर से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन ये अब देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल मैं आपको पटना के गांधी मैदान के बाहर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से शिक्षक जो है आज जुटे हुए हैं, क्योंकि लगभग 25,000 शिक्षकों को आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों जो है नियुक्ति पत्र मिलनी है, बांटी जानी है, इसीलिए आज तमाम शिक्षक जो है पटना के गांधी मैदान में शामिल हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।